हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से। और आज है सावन का पहला सोमवार, तो आप सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे ये वीडियो मैंने बना के रखी थी, ये सावन के सोमवार वाले दिन की नहीं है, लेकिन आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ इसकी, तो मैंने सोचा आप लोग को विश कर देती हूँ। और भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, साथ में मेरी भी करें। अभी हो रहा था रात का टाइम और यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी भिंडी की सब्ज़ी, तो आज मैंने थोड़ा सा अलग ट्राई किया है भिंडी की सब्ज़ी। वैसे दाल चावल के साथ ये मस्त लगती है, रोटी मैंने नहीं बनाई है, बस दाल चावल बनाया है। तो मैंने सोचा चलो बेसन वाली भिंडी बनाकर देखते हैं, हो सकता है पति परमेश्वर को पसंद आ जाए। और उनको जो सादी भिंडी बनती है ना, वो उनको अच्छी लगती नहीं है, तो इसलिए मैं उसको नहीं बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने डाला कढ़ाई में बहुत सारा ऑयल, और भिंडी को मैंने ना बीच से कट कर लिया था चार टुकड़ों में। उसके बाद उसमें मैंने बेसिक मसाले, धनिया, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, सारा कुछ ऐड कर दिया है। लास्ट में मैंने बेसन ऐड करके उसको मिक्स कर दिया था। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है, फिर थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च डाला है। उसके बाद दो बड़े बारीक कटी प्याज मैंने इसमें ऐड कर दी है। और अगर आप चाहें तो भिंडी पहले फ्राई कर सकते हैं थोड़ा ज़्यादा तेल में, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तेल में नहीं फ्राई करूँगी, क्योंकि बारिश तो हो रही है लेकिन गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है, तो इस हालत में ना बहुत दिक्कत होती है इतनी ज़्यादा गर्मी में, ये तला भुना नहीं खाने का मन करता। और ये है भिंडी की फाइनल लुक इसका, जो बनकर तैयार है। फिर मैं मिल रही हूँ आप लोगों से मॉर्निंग में। यहाँ पर मैं कर रही थी मॉर्निंग क्लीनिंग, तो कल वाला जो ब्लॉग था ना, वो एंड मैंने नहीं किया था, तो मैंने सोचा ये वाला ब्लॉग जो है एंड करते हैं, तो इसमें मैंने मॉर्निंग क्लिप भी ऐड कर दी है। अभी यहाँ पर मेरा मॉर्निंग क्लीनिंग हो रहा है, और थोड़ा सा फ़ैन की आवाज़ आएगी फ्रेंड्स, क्योंकि जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो फ़ैन चलाई हूँ, क्योंकि लाइट है नहीं और बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो थोड़ा सा वीडियो वगैरह एडिटिंग करने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, और गर्मी से मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो बस फटाफट यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह अपना सही किया, चेंज किया, और उसके बाद किचन का काम मैंने ख़त्म कर लिया है, क्योंकि रात को ना मैं सारा काम ख़त्म करके सोती हूँ, तभी मॉर्निंग में ना चैन की, मॉर्निंग में चैन से उठती हूँ और रात को चैन की नींद आती है। अगर रात में आप सारा काम ख़त्म कर लो ना, तो बहुत आराम से नींद आ जाती है, और मॉर्निंग की आधी से ज़्यादा टेंशन जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, कि हाँ उठो अभी ये करना है वो करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो सारी टेंशन जो है ख़त्म हो जाती है, तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर फटाफट मैंने बेडशीट वगैरह अपना चेंज किया, तकिया का गिलाफ भी मुझे चेंज करना था, तो फटाफट इसको भी चेंज कर देंगे, और उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी नहाने, क्योंकि अभी मुझे नहाना भी है। और नाश्ते में वही भिंडी की सब्ज़ी बची हुई है, पराठे बना देंगे, क्योंकि पतिदेव को पसंद आ गई थी, तो मैंने कहा चलो कम से कम पसंद तो आई, तो उसका मैं बना दूंगी पराठे, साथ में भिंडी की सब्ज़ी हो जाएगी, और खीरे का रायता इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो खीरे का रायता बना दूंगी। और यहाँ पर रात वाले कपड़े थे, इसको मैं तह करके रख ले रही हूँ। और नहाने के बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ नेल पेंट अपने हाथों में, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम बच गया था, तो मैंने सोचा चलो लगा लेते हैं, क्योंकि सावन आ गया है, तो सावन में लगाना जो है अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है। तो बस मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगी फ्रेंड्स, छोटी सी मेरी वीडियो है, और अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, क्योंकि अभी मैं नेल पेंट सुखाऊँगी, उसके बाद थोड़ा सा आराम करूँगी, फिर मैं नाश्ता करूँगी, और फिर मिलूँगी आप लोगों से शाम को। और ये है शाम की थोड़ी सी क्लिप, मैंने इसको ऐड कर दी है इसमें। यहाँ पर मेरा क्यूटी है, मैं हूँ, पतिदेव हैं और लीजा हैं, तो सब लोग शाम को टहलने आते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सब लोग टहल रहे हैं, और मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो यहाँ पर नहीं बन पाता है, सब लोग रहते हैं, तो थोड़ी बहुत क्लिप मैं ले लेती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।